हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 बज रहा है और रात भर खूब बारिश हुई। शायद आवाज़ आ रही थी खूब तेज तेज। ये देखिए आज मॉर्निंग का नज़ारा, पानी भी बिल्कुल खारा आने लग गया है। कल से मौसम ठीक नहीं है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और यहाँ देखिए आज भी धूप नहीं आई है अभी तक, बस धूप आ जाए तो मौसम भी थोड़ा सा ठंडा नहीं होगा, ठंडा बढ़ चुका है। ये आज बढ़िया सा चावल फ्राई कर दिया है टेस्टी जम्बू के साथ, और दाल मिर्च छौंका लगा के, तुलसा छौंका लगा के। बन रहा है हमारा नाश्ता। जनी नोंदे जनी अंगो इधर हम से बबा दे। आज हम लोग के यहाँ मकान का काम चल रहा है, यहाँ मिस्त्री कुली मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो नावी वालों का वादा है। वादा मतलब वहाँ ऐसे कुछ काम नहीं होता, पूजा पाठ का दिन है तो मिस्त्री कुल्ली खाली थे, तो आज आए हैं। हमारे यहाँ काम चल रहा है ऊपर छत में, थोड़ा सा जो बिम चढ़ रहा है सीमेंट लगा के वो काम चल रहा है। देखिए मकान का काम चल रहा है तो इस बार सब फैला हुआ है। ये हमारा योगी सिंह और ये हमारे दो जिठानी। यहाँ तो ना काम कराएंगे तो मिस्त्री को लिए सबको खाना बना के खिलाना पड़ता है, इसलिए अब चावल छाड़ने हुए इन लोगों के लिए खाना बनाना है। सुबह 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं और खाना पीना बस खुद ही बना के खिलाना पड़ता है। अगर बना के नहीं खिला पाए तो राशन पानी सब देना पड़ता है इनको, तो यहाँ का ही है सिस्टम। और सब बाहर से लेके आना पड़ता है कुल्ली मिस्त्री। अभी दूसरा रस्सी बांधो फिर वो वाला मोटा वाला। यहाँ फंस गया ना वो, कहाँ आएगा ऊपर? अब उसको बांधो, उसको छोड़ दो, उसको मत बांधो, इसको बांधो ना, ये रस्सी मजबूत वाला ला रहे हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा है 3 मंजिले में ये ऐसे बिम जैसा, उसको जो हम लोगों ने वो किया था चादर बिछाया था उसको थोड़ा सा दबाने के लिए। यहाँ की धनिया देखिए, इतने बड़े बड़े धनिया हो रहे हैं बेचारे, इतने दूर से काम करने के लिए आते हैं, तो इनको बढ़िया बना के खिलाने के लिए दाल चावल, तो मतलब दाल बना दिया, चावल चढ़ाना है। अभी अब चिकन मंगा रखा है, 2-3 मुर्गा मंगा रखा है, फ्राई करके खिलाएंगे इनको बढ़िया। बेचारे इतना मेहनत करके काम करते हैं, कोई नेपाल के काम करने वाले हैं, कोई इंडिया के है, तो इनको दिन का खाना यहीं खिलाना पड़ता है। तो अभी मैं काट रही हूँ प्याज। इस बार पानी अच्छा आ रहा है तो बर्तन वर्तन धोने के लिए तो बाहर ही धोना पड़ता है, तो नहीं तो बर्तन धोने के लिए भी परेशानी होती थी। बढ़िया पानी आ रहा है, बाथरूम वगैरह जहाँ बने वहाँ भी अच्छा पानी है, साफ सफाई है। आठ दस लोग आए हैं काम पे आज, ऊपर छत तो बन चुका था, थोड़ा सा सीमेंट का जो बिन जैसा नहीं डालते हैं वैसा काम कर रहे हैं। हाँ तो कोई मसाला गलती का मसाला में गलती का लाई टमाटर वाली पौधों को नहीं होती नीलो जैसे टैंक का है नहीं है जैसे टैंक का चीजों तो आग में तो इतना गर्म हो रहा है। काम तो ठीक है नहीं,
देखिए बढ़िया आग में बन रहा है, गर्म हो रहा है, खतरनाक। आग के सामने तो गर्म ही होता है, स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब से हम आए तब से ठंडा ही है मौसम भी। थोड़ी देर धूप आई फिर धूप चली गई, ऐसा मौसम हो रहा है। काम चल रहा है, रस्सी से पूरा मसाला ऊपर को खींच रहा है। खुले में आग में खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। चूल्हे में गर्मी हो गई, स्वेटर उतार दिया मैंने, चूल्हे के बगल में बैठने में तो गर्म ही होता है। देखिए क्या मस्त कलर आया है। अरे सूखा फ्राई करना बस। अभी इसमें बहुत पानी निकल गया, जबकि पानी डाला ही नहीं है अभी इसमें। दाल बनाया तो इसको थोड़ा सा लटपट बना देती। चावल ले लो, दाल ले लो। ये है मंजू चिमलों का घर। दीपमाला आ रही है बनम से टुकची, तो रंग रोगन हो रहा, पूरा पेंट हो रहा। खाना खाने के बाद मैं आई थी यहाँ कुछ काम से, अब मैं जा रही हूँ ग्राम सभा की ओर। यहाँ आके तो मुंह धोने में भी आलस लग रहा है। सुबह ब्रश किया, मुंह में हल्का सा पानी छिड़का, बस हो गया। कपड़ा चेंज करने में भी आलस आ रहा है, मुंह धोने में भी। इतना ठंडा हो रहा, पूछो मत। मिलन केंद्र गांव में आने का और रहने का मजा ही कुछ और है। कुछ दिन जब तक पूजा पाठ होता है तब तक बहुत व्यस्तता रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। वही खाना बनाना और पूजा पाठ में हिस्सा लेना, और कोई मेहमान आए तो उनके लिए चाय बना के पिलाना उनको। ऐसे ही पता नहीं चलता है दिन का, और शाम को भी काफ़ी टाइम से खा के आराम कर लेते हैं। और बहुत अच्छा से, ना यहाँ टीवी याद आता है ना फ़ोन याद आता है, बस फ़ोन का एक ही काम हो रहा है यहाँ की। मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, बाकी थोड़ा बहुत नेट आए चले तो फिर ब्लॉग भी पोस्ट कर दे रही हूँ। पूरा दिन लग जा रहा है एक ब्लॉग पोस्ट होने में। अभी मैं फिर लग गई रसोई का काम करने, मैं और मेरी जेठानी। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। और देखते रहिए मेरा ब्लॉग और मेरे अगले ब्लॉग का कीजिए इंतज़ार। और जब तक मैं गांव में हूँ ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ रोज़ हम लोगों का कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम होता ही रहता है, पूजा पाठ का और गांव का सब कुछ जो भी है। सारे गांव वालों का एक साथ भी पूजा होता है, अपना पर्सनल भी पूजा होता है, तो व्यस्तता इतनी होती है कि पूछे मत। और ये व्यस्तता काफ़ी अच्छी लगती है। और जो शहर की हम जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल था वो सब हम भूल जाते गाँव आके। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।